हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, सुबह के बजे हैं 7:30 और नहा कर पूजा हमने कर ली है, बच्चों को भेज दिया है छत पर यहाँ से उठाकर, और मिस्त्री जी जो हैं अपने काम पर लग गए हैं। खुट खुट का काम चल रहा है, अभी कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो देखिए, अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, नाश्ते में बनाऊँगी मैं नमकीन जवे, जो बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाते हैं। और ये वाला चूल्हा जो है ख़राब हो चुका है, इस पर नहीं आज कुछ भी बनाऊंगी, गैस के चूल्हे पर ही बनाऊंगी। ये अंदर से जो है टूट चुका है, इसे माँ रिपेयर करेगी आज, अंदर से इसकी जो पुरानी मिट्टी है वो सारी निकाल देगी। और कल का जो है उन्होंने मिट्टी बनाकर गारा बना दिया था, मिट्टी को पानी में डालकर उसका गारा जो है बनाकर रख दिया था, जिससे रिपेयर होगा। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं, नाश्ता बनाते हैं और फिर बच्चों के लिए बनाकर छत पर लेकर जाऊंगी। बच्चे जो हैं ऊपर ही खेल रहे हैं, माँ के पास में है। तो नमकीन जवे बनाने की तैयारी जो है मैंने सारी कर रखी है, चाय हमारी बन चुकी है। तो अभी सबसे पहले नमकीन जवे बना लेते हैं। तो देखिए, ये है वे जवे जो मैं बनाऊंगी, अभी नमकीन जवे बनाऊंगी, मीठे नहीं बनाऊंगी। तो भिगोना जो है गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। और प्याज टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, देखिए रहे। और नमकीन जवे बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार ट्राई जरूर करना। ये प्याज मैंने तेल गर्म होते ही इसमें डाल दी है। और आप सबको पता ही है सरसों का तेल हम लोग यूज करते हैं। और बाद में मैंने जीरा डाला है, तेल ज्यादा तेल गर्म पता। और नाश्ते में ये इतने से ही काफी रहेंगे पूरी फैमिली के लिए, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं पराठे नहीं बना रही हूँ, चिंकी ने बोला है मम्मी नमकीन जवे बनाना, बहुत टेस्टी लगते हैं, मैगी जैसा स्वाद आता है बिल्कुल। बच्चों को तो रहता ही है मैगी चाउमीन, लेकिन बाहर से हम लोग कुछ नहीं ला रहे हैं, तो मैंने सोचा इनके ही बना देते हैं। और देखिए, इधर हमारी चाय भी बन चुकी है, खदक चुकी है बढ़िया तरह। तो देखिए, छोंक होने के बाद में मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर मैंने बहुत ही बारीक सी शेप में काटा था, और अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, यानी कि जो मेरे डेली के बेसिक मसाले हैं, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। और एक्स्ट्रा कोई भी मसाला मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल से तरीके से जो मेरी किचन में अवेलेबल है मैं उसी से इन्हें बना रही हूँ। नहीं तो कई सारी चीज़ें इनमें डलती है, मैगी मसाला भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है, तो मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं इसी से काम चलाऊंगी। तो टमाटर को जो है मैंने अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया है और मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं जितना मुझे इसमें पानी डालना है उतना पानी डाल दिया ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए, पानी हमारा खदक चुका है, ये जो मैंने छोंका था, और ये जमे भी मैंने धो लिए हैं, ये देखिए। अब धुले हुए डालूंगी इसमें, और बहुत जल्दी से नाश्ता तैयार होता है इनका, बनकर झटपट से तैयार होने वाला नाश्ता है ये। और थोड़े थोड़े से करके इन्हें धुले हुए जवों को ऐसे ही डालती जाऊंगी और इसे चलाती जाऊंगी, ताकि ये एक जगह बैठे ना या फिर तली में ना लगे। और फिलहाल मेरे पास मैगी मसाला नहीं है, अगर होता तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता, बिल्कुल जो है इसमें मैगी जैसा स्वाद आ जाता अगर मेरे पास मैगी मसाला होता। तो फिलहाल जो है किचन में कई सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो मंगाऊँगी मैं की बात, जो भी कोई मार्केट जाएगा संडे सैटरडे का तो लॉकडाउन रहता है हमारे यहाँ पर, मंडे में देखते हैं। अभी मैं ये चला देती हूँ डालने के बाद में, और थोड़ी सी देर बाद देखिएगा इसका कलर कैसा हो गया है खूब पकने के बाद में। और अभी ये गले नहीं हैं, अभी थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, उबाल बहुत ज़्यादा आते हैं नमकीन जवों भी और मीठे जवों भी, इनकी एक ख़ास बात है। तो देखिए, हमारे जवे बनकर तैयार हैं, बिल्कुल मैगी जैसे लग रहे हैं ना देखने में, कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी बच्चों को देकर आती हूँ, सबकी प्लेटें लग चुकी हैं। क्या है ये? ये क्या है ये? ये मेरे।
ये इसके हैं। कौन खाएगा ये? मैं। क्या है ये? हाँ बप्पा। बप्पा मैगी, मैगी मसाला। आप खाओगे? मुझे लगे नाक है, ब्रश ब्रश कर लिया दिखे है। कैसे लगे? तो देखिए दोस्तों, चूल्हे की रिपेयरिंग जो है शुरू हो चुकी है और सुबह के 10 बज चुके हैं। और माँ जो है इसकी जितनी भी फालतू की मिट्टी लगी हुई है इसमें, जैसे हम चूल्हा लीपते हैं वो इकट्ठी होती रहती है, इसके ऊपर चढ़ती रहती है लेयर एक के बाद एक, तो वो सारी इन्होंने खोद के निकालनी शुरू कर दी है। और देखिए कितनी मोटी मोटी लाल लाल पपड़ी। कुछ लोग जो है, कुछ महिलाएँ तो इसे खाना पसंद भी करती हैं, पहले हमारी माता जी भी खाती थी लेकिन अभी उन्होंने कैल्शियम की शीशी पी है तो उन्होंने खानी छोड़ दी है। नुकसानदायक होती है ये, वैसा वो तो रामा पूरा ही खराब सा ही है। और देखे कितनी सारी मिट्टी जो है इसमें एक्स्ट्रा थी। और बच्चे भी आ गए हैं पास में ही देखने के लिए। ये आरुषि, आरुषि क्या कर रही माँ? तेरे खाने के लिए चक्के बना दिए माँ ने, देख कितने मोटे मोटे। खावेगी? खाने की तो नहीं, जो कोई मिट्टी खावे उसका क्या हुआ है? और नीचे से भी सारी मिट्टी जो है इन्होंने खुरच दी है, ये देखिए। पिताजी मिर्च लगा दें, जो कोई मिट्टी खावे देख लो क्या बता रही। बहुत बड़ा हाल लग गया, ये तो मिट्टी ही निकाल गए इसमें तो फालतू की। क्या कर रहे हैं आप? झंडे से हवा कर रहे हैं? अच्छा जी, कैसे लगे आपको नाश्ते में जमे? मैगी कैसी लगी आपको? गाने देखने के ऊपर गाने, कंप्यूटर में गाने? गलत बात, पोएम सुनक रहे हैं, पढ़ाई कर रख रहे हैं, गाने सुनक रहे कोई? और देखिए आज मुझे सारा काम जो है गैस के चूल्हे पर ही करना है। मैंने नाश्ता भी चूल्हे पर ही बनाया गैस के, और इसे पूरा दिन लग जाएगा सूखने में, इसलिए सुबह के टाइम से ही माँ इसे तैयार कर देगी। क्या कर रहे हैं आप? ये चारी पड़ी। क्या क्या है ये? मट्टी। किसने कहा आपको भरने को? माने। क्या कहा माँ ने? माँ मट्टी भर लू का। अच्छा, माँ से पूछ लिया आपने कि माँ मट्टी भर लू क्या? अच्छा, अब तो काम करने लगे भाई हैं? खाइयो ना। माँ क्या कह रही? खाइयो ना। ठीक है, मिट्टी खाना नहीं। आइसक्रीम की दुकान बेच ले आया। बेच देगा तू तो आइसक्रीम की दुकान, मुझे दिख रहा ढंग तो। वाह बेटे वाह। और उसी को तो पता भाई, ये देखिए माँ ने अभी से थोड़ा सा गीला कर दिया है जिससे कि इस पे मिट्टी की लेयर जो है बढ़िया तरह चढ़ जाए। भर दो मिट्टी बेटे। और गारा तो माँ ने कल ही बना दिया था। और देखिए माँ जो है ये मिट्टी का भीगा हुआ गारा ले आई है, इसे पहले दिन बनाकर रखना पड़ता है जिससे इसकी सारी डली जो है वो घुल जाए, बारीक हो जाए। और इसमें थोड़ी सी इन्होंने भूसी डाली है, यानी कि भूस डाला है बारीक बारीक सा, जितना गर्देहे टाइप का होता है वही इसमें मिलाया है ताकि इसकी जो है मजबूती बन जाए। भूस डालने से मिट्टी में और थोड़ा सा गाय का गोबर, उससे क्या होता है कि इसकी मजबूती बन जाती है और गारे में भी चिकनाहट आ जाता है। जो ये मिट्टी लगा रही है माँ, इसमें काफ़ी चिकनाहट आ चुका है, कल से इन्होंने पानी डालकर इस पर रख दिया था तीनों चीज़ों पे। तो अभी इसको मसलकर जो है इन्होंने हाथों से बहुत ही बारीक बना लिया है, एक पेस्ट की तरह का, जो गाढ़े वाला पेस्ट होता है उसकी तरह का। तो देखिए कितनी सफाई आ रही है, थोड़ा सा हाथ फेरते ही कितना चिकनाहट आ रहा है इस मिट्टी में।
और ये काफ़ी ख़राब हो चुका था। कुकर रखने में डर लगता था काफ़ी, कुकर नीचे गिर जाए तो, इसलिए मैं कई दिन से माँ को बोल रही थी। माँ की तबीयत भी ऐसी रहती है, अभी माँ से कुछ काम तो होता नहीं है काफ़ी लंबे समय से, और वैसे भी अब कब तक काम करेगी, अब बड़ी उम्र तो इनकी हो ही चुकी है। बस बच्चे खिला लेती हैं, छत पर बच्चों को ले जाकर उनका ध्यान रख लेती है जैसे नीचे काम चल रहा है। तो देखिए आज इन्होंने सुबह के टाइम ठंड ठंड से में ही इसे मतलब साफ़ कर दिया है, इसकी मरम्मत कर दी है। तो खाना तो आज मैं बनाऊंगी गैस के चूल्हे पर, जितना भी हमारा खाना बनेगा सारा मैं गैस के चूल्हे पर ही बनाऊंगी। तो देखिए चूल्हा कितना बढ़िया बन जाएगा। वैसे इसके दो हिस्से हो रहे थे टूट के, लेकिन अब पता नहीं चलेगा ये कहाँ से टूटा हुआ था कहाँ से नहीं। इस तरीके से माँ इस पे मिट्टी लगाएगी और इतनी सफाई से लगा देगी तो कुछ नहीं पता चलेगा कि ये चूल्हा इतना ख़राब हो चुका था, और रिपेयर होकर इतना अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। और माँ इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उन्हें शौक़ भी है इन सब चीज़ों का, हरे चूल्हे ये मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें वो बना लेती हैं, डलिया और कई सारी चीज़ें बनाती हैं। एक दो चीज़ हमारी छत पर ऊपर भी रखी है पुरानी बनी हुई, जो माँ ने पहले बना रखी है कागज़ भिगोकर, पहले कागज़ के गत्तों से भी बना देते थे कई सारी चीज़ें, तो वो रखी है, कभी आपको दिखाऊंगी। तो एक साइड से ये अंदर की साइड से जो है ठीक हो चुका है ये देखिए, और सेफ। अभी इसकी सफाई नहीं हुई है पानी लगाकर, अब कर दी जाएगी, अभी कर देगी माँ इसको, और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माँ यहाँ पर तवा रख कर देख रही है, अगर तवा अच्छे से आ गया तो पतीली और कुकर भी इस पे ठीक ठाक तरीके से आ जाएगा। तो इन्होंने साइज जो है इसका देख लिया नाप कर, और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग की है इसकी लास्ट की। और एकदम साफ सफाई से हो गया है ये चूल्हा तैयार, रिपेयरिंग इसके बहुत बढ़िया तरीके से कर दी है। देखिए चूल्हा बनाने में माँ का हाथ कितना साफ है, एकदम एक्सपर्ट है मिट्टी की चीज़ें बनाने में, कितनी अच्छे से हर एक शेप को कितने अच्छे से किया है इन्होंने, कितनी सफाई दी है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन, एंड हियर आर चिंकी एंड गुड्डू। आप सब लोग चिंकी और गुड्डू की बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि चिंकी और गुड्डू बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए देखते हैं चिंकी और गुड्डू कितनी होशियार हैं। आज इनसे कुछ ऐसे प्रश्न मैं पूछता हूँ जिनसे आपको पता लगेगा कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर यानी सिक्स सेंस, इनकी सोचने समझने की शक्ति कितनी पावरफुल है। यहाँ चिंकी और गुड्डू से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और इनको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा उस प्रश्न का जवाब देने के लिए। पहला सवाल मेरा गुड्डू से है, गुड्डू कल हमने दोपहर के खाने में क्या खाया था? कल हमने दाल। कौन सी दाल? चने की दाल। अरे वाह, वो जल्दी खत्म भी हो गई थी, भूख लग गई थी दोबारा से चिंकी को। अब चिंकी बताएगी कल शाम के खाने में क्या खाया था चिंकी। चिंकी हाँ भूल गई है कल शाम को हमने क्या खाया था, मुझे पता है। ये इतनी इंटेलिजेंट है। चलिए छोड़िए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न मैं पहले गुड्डू से ही पूछूंगा। गुड्डू ये कोरोना की वजह से जो छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन चला था, कौन से महीने से शुरू हुआ था? मार्च से। कौन सी तारीख से? 19 तारीख से हुआ था। 19 तारीख से, गलत। मार्च 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू था और 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। अगला सवाल यहाँ चिंकी से हम पूछेंगे। चिंकी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। वाओ गुड। ये बताओ उसमें वोवेल्स कितने होते हैं? 2 बताएगी वोवेल्स कितने होते हैं? 5। चिंकी सेकंड क्लास में आ गई हो, हिंदी वर्णमाला तो पढ़ी होगी ऐसे आगे तक। हाँ हाँ, ये बता दो कितने अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, बताओ। 49 अक्षर होते हैं। हाँ। और उसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं उसमें 14। गलत। 13। और व्यंजन? 36। 13 वोवेल्स यानी स्वर, और 36 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं।
अगला सवाल हमारा फिर चिंकी से है। चिंकी बताएगी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। नाम बताओ उनके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सवाल हमारा गुड्डू से है। गुड्डू बताएगी कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं? 12। गलत। नहीं, 11। 11। इस समय हमारी फैमिली में यहाँ 11 सदस्य हैं। माँ, पिताजी और चाचा, तीन हमारे बुजुर्ग हैं। मेरा यानी इधर देखो, तीन हमारे बुजुर्ग हैं और चार नौजवान। नौजवान मतलब सुनील भैया, मैं, बबली भाभी और प्रीति। तीन और चार सात। और बच्चे कितने हैं यहाँ? चार। चिंकी, गुड्डू, आरुष एंड आरुषी। तीन बुजुर्ग, चार नौजवान, सात और चार बच्चे, 11 लोग हैं। और इनके, गुड्डू चिंकी के बड़े पापा यानी इनके ताऊ जी, इनकी ताई जी और माही जो शामली में रहते हैं, तीन लोग वे भी हमारी फैमिली के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर हमारी फैमिली में कितने सदस्य हैं? 14 सदस्य हैं। अगला सवाल हमारा चिंकी से। चिंकी, कल आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? ब्लू कलर के। ब्लू टी शर्ट और लोअर प्लाजो, जो कि सही जवाब है। गुड्डू बताएगी, गुड्डू कल आपने किस कलर के कपड़े पहने? मैंने पिंक कलर के कपड़े पहने, पिंकी प्लाजो और पिंकी टी शर्ट। वेरी गुड, ये सही है। तो यहाँ चिंकी और गुड्डू के सवाल जवाब से आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिनकी इतनी तारीफ होती है, चिंकी और गुड्डू कितनी होशियार हैं। हमने तो देख लिया, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा चिंकी और गुड्डू कितनी होशियार लड़कियां हैं।